नमस्कार, मैं अपनी डिएक्शन रामबाण में स्वागत करता हूं। डिएक्शन में जुड़ने से पहले सावधान, कहीं जुड़ने के बाद आपको भी पछताना ना पड़े। रुको, जरा सब्र करो। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है, इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए भाई, आगे चलकर आपको भी पछताना ना पड़े, इसलिए ध्यान दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो ध्यान से आप लोग देखिए वीडियो को। हमारी कहने का मतलब यह है कि डिएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से पहले विशेष ध्यान दें। नंबर एक पॉइंट है, डिएक्शन में जुड़ने से पहले कंपनी के बारे में जान लें। नंबर दो है, डिएक्शन किस देश की कंपनी है, भारत में कब से काम कर रहे हैं, इस बारे में भी जान लें। मित्रों, क्या कंपनी स्वयं प्रोडक्ट को बनाती है या दूसरे कंपनी से लेकर बेचने का काम करती है, इस बारे में भी आप लोग जान लें। सबसे महत्वपूर्ण बात है नंबर चार, डिएक्शन कंपनी से भारत के कितने लोगों को कामयाबी मिली, जाने समझे फिर जुड़े। नंबर पाँच है, डिएक्शन में काम कर रहे आपके आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलें, उनसे बातें करें कि आप कब से इस कंपनी में काम कर रहे हैं और इसमें सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा, सब जाने समझे फिर कंपनी से जुड़े। जुड़ना आसान है, लेकिन इस कंपनी में जुड़कर लगे रहना ये थोड़ा कठिन काम है, और कर सकता है, कोई भी कर सकता भाई। छठवां नंबर है, डिएक्शन में जो लोग जुड़े हैं उनके साथ मीटिंग में जरूर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें, उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ रहकर तौर तरीका सीखें, उन्हीं के साथ लगे रहें। अगर यह सब आप करने के लिए सक्षम हैं तो इस कंपनी से जुड़ें, अन्यथा इस कंपनी से ना जुड़ें। सातवां नंबर है, अगर आप इस कंपनी से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले कंपनी का प्रोडक्ट स्वयं प्रयोग करें, उसकी अच्छाई और बुराई यानी लाभ हानि को जाने समझें, फिर वही लाभ हानि आप दूसरों को समझाएं। यदि आप इन सब कार्यों को कर सकते हैं तो कंपनी से जुड़ें, अन्यथा ना जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।